कहा ये जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इमरान खान सूट करता है इंस्टेड के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसलिए जो क्रिटिसिज्म सारा हो रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रहा है, नॉट फ्रॉम पीपल्स पार्टी ऑन पीटीआई। डू यू एग्री ऑन दैट? देखिए, मैं समझूं कि पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, नून भी अपोजिशन का किरदार जो है अदा कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म से हमें कोई रिलीफ जो है, कोई हमारी जो मुखालफ पार्टी है हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ या बेनिफिट दे रही है, लेकिन ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज था और लीडरशिप की ज़रूरत थी। और अब दुनिया एक तो इस बात को भी तस्लीम करती है कि जो हमने मेजर्स लिए हैं वो कामयाब लिए हैं, हमने जो फैसले किए हैं वो ठीक किए हैं। इसके साथ साथ ही जो सोशल प्रोग्राम है हमारा, जो लोग इस वक्त बेचारे 120 जो हैं, 1,20,00,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, और आप देख लें कि फिर उनको राशन और उनको 12,000 रुपया पर ख़ानदान ये पहुंचाना जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है। इसमें किसी किस्म की सियासत मुलव्वस नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। तो इसके अलावा और भी ट्रेडर्स को बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, कंस्ट्रक्शन को बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस विज़न के साथ हुकूमत ने मामलात को टैकल किया है, मैं समझता हूँ कि जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम में कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, तो क्रिटिसाइज़ करें, हम अकाउंटेबल हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे करते हैं, लेकिन हम उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा तमाम पोलिटिकल पार्टी के, तमाम मजहबी, कि खुदा के लिए दिस इज़ द वर्स्ट टाइम आवर नेशन इज़ गोइंग थ्रू। एग्जैक्टली, इससे मुश्किल वक्त तरीन कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में, आई वेंट थ्रू क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस, बरतानिया में भी, वो भी मेरी लाइफ में, नथिंग इज स्मूथ इन माई लाइफ। बिल्कुल ठीक, मेरी लाइफ ऑलवेज 2 महीने में सुकून के गुजारता हूँ, 3 महीने क्योंकि आई मतलब मेरे पता नहीं, मैं बनाता नहीं, दुश्मन बन जाते हैं तो अच्छा, और लेकिन ये टाइम जो है इतना खतरनाक, इतना मुश्किल टाइम है पूरी कौम के लिए, बिल्कुल पूरी कौम के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, इसलिए कि वी केयर अबाउट पीपल, वी फील द सफरिंग ऑफ द पीपल, वी फील द पेन ऑफ द पीपल। हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है हुकूमत के लिए इन हालात में हुकूमत करना, जबकि हमें पता है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, ठीक हो गया, छोटा छोटा बिजनेस का क्या बना है। ठीक, अच्छा गवर्नर साहब, मुझे एक